www.attableeg.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. बुजुर्गों भाइयों दोस्तों अजीजों मुअज्जज माएँ बहनें और बेटियां, मुझे इस वक्त चंद बातें इस सिलसिले में अर्ज करना है कि इंसान की जिंदगी बेहतर कब बनती है और इंसान की जिंदगी बदतर कब बनती है। क्योंकि कल मैंने ये कहा था कि इंसान पहले इंसान बने और जब इंसानियत इंसान में आती है तो इस सूरत में उसकी जिंदगी खुशगवार होती है। इंसान और मजहब में कोई फर्क नहीं है। मजहब वही बात सिखाता है जो इंसान बनने की। इसीलिए कुरान करीम ने तआला जल्ला शानहू ने मजहब से हटने वालों को उलाइका कल अनआम बलहुम अज़ल फरमाया कि वो जानवर है बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है। क्यों? उनको जानवर इसलिए कहा गया कि उनमें इंसानियत नहीं थी। इंसान में इंसानियत होती है तो वो अपने रब को जानता है, पहचानता है, उसकी मानता है, उसकी इताअत करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है। इंसान में इंसानियत होती है तो वो हमदर्दी और मुवासात और गमखारी करता है, लोगों का भला चाहता है, लोगों के साथ खैरखाही का मामला करता है। और इंसानियत जब नहीं होती है तो फिर इस सूरत में वो बदतर जिंदगी गुजारता है। फिर वो कांटों को बोने वाला होता है जो उसके लिए भी मुजिर होते हैं, दूसरों के लिए भी मुजिर होते हैं। फिर उसके दिल का बाग जो है वो कांटों का दरख्त का सजा हुआ बन जाता है, जिससे कभी हसद का कांटा, बुग्ज का कांटा, अदावत का कांटा, नफरतों का कांटा, बस यही कांटे उसके अंदर से निकलते हैं जो उसके लिए भी चुभने का जरिया बनते हैं और दूसरों के लिए भी चुभने का जरिया बनते हैं। फिर वो सांप और बिच्छू की तरह दंकीले बनते हैं। फिर वो शेर और लायन की तरह काटने वाले और खाने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब इंसान में इंसानियत होती है तो फिर वो हमदर्दी और गमखारी का पैकर होता है। वो खुद पानी पीने से पहले दूसरों की फिक्र करता है, चाहे वो मौत के मुंह में हो लेकिन वो दूसरों के पानी की फिक्र करता है, जैसा कि उहुद के वाकये में हजरत सहाबा की जिंदगी हमारे सामने है। इसी तरह वो अपने पेट से पहले दूसरों के पेट की फिक्र करता है और अपनी इज्जत से पहले दूसरों की इज्जत की फिक्र करता है। ये सारी की सारी बातें इंसानियत के कबील से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। इंसानियत इंसान में जब आती है तो वह इंसान बनता है। हजरत मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान, वो एक मर्तबा बाजार गए और अपने शागिर्दों से फरमाया कि मैं इंसान देखने आया हूं। फरमाया ये सारे तो इंसान है हजरत जो बाजार में चहल पहल है और दुकानों पर बैठे हुए हैं और ये खरीदारी कर रहे हैं, ये सब इंसान ही तो है। फरमाया नहीं, ये इंसान के ढांचे में हैवान है, इसलिए कि बेचने वाला भी धोखा दे रहा है, खरीदने वाला भी धोखे से ले रहा है। तो इनमें इंसानियत कहां रही? मुझे इंसान कोई नजर नहीं आता है, मुझे इंसान बताओ, मैं इंसान देखना चाहता हूं। मालूम यह होता है कि कारोबार में धोखा देना और गलत तरीक पर कारोबार करना यह भी हैवानी सिफत है, यह भी गलत सिफत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसान को इंसान बनाने की थी। अफसोस कि वो तालीमात
हमारी जिंदगियों से निकल गई जो इंसान को इंसान बनाती है और इंसान को अल्लाह ताला से उन्स और मोहब्बत पैदा कर देती है। इसलिए कि इंसान माखूज है उन्स और मोहब्बत से। और जाहिर सी बात है कि जब बंदा इंसान बनता है तो उसको अल्लाह से मोहब्बत होती है और अल्लाह को उससे मोहब्बत होती है। मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाह लिका हो वमन करी लिका अल्लाह करी अल्लाह लिका हो। जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करता है और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मिलना नापसंद करता है। तो उनसे और मोहब्बत पैदा हो जाता है जबकि इंसान इंसान बनता है। और अगर इंसान हैवान बनता है तो फिर चलते हुए वो लात से मारता है, वो पांव से मारता है, वो काटता है, वो अपने दंकीली जबान से या अपने दंकीली उज्व के जरिए से सामने वाले को दंक मारता है। उसका दिल कांटों की बार बन चुका है जिसके अंदर से फूल की खुशबू नाम की कोई चीज नहीं है, फल जैसे मुफीद चीजें उगने वाली कोई चीज नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान बनने की तालीम दी, लेकिन आया इंसान बने कैसे इंसान? मैं इसके लिए आज की इस निशिष्ट में और आज की इस मजलिस में मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। इंसान इंसान तब बनेगा जबकि इस इंसान में मजहब भी आ गया, तौहीद भी आ गई, माशरत भी आ गए, मामलात भी आ गए, इबादात भी आ गए। इसलिए कि जब इंसान होगा तो यकीनन अपने मोहसिन को पहचानेगा। इंसान ही मोहसिन को पहचानता है, हैवान मोहसिन को नहीं पहचानता। बल्कि कुरान करीम में घोड़ों की मिसाल देकर सूरह वलादियात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान तुझसे ज्यादा तो घोड़ा अच्छा है कि जो चनकोरी घास खाने वाले मालिक को राहत पहुंचाता है और जरर नहीं पहुंचाता। इंसान तेरा हाल यह है कि तू मां के पेट से कब्र के पेट तक अल्लाह की नेमतों पर जी रहा है लेकिन तू ने अपने मोहसिन को मोहसिन नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को अल्लाह नहीं जाना, उस मुरब्बी को मुरब्बी नहीं पहचाना। जाहिर सी बात है कि जब इंसान इंसान बनता है तो वो शुक्रगुजार बनता है और शुक्रगुजारी यही तौहीद है। अपने रब की मारिफत इसी को तौहीद कहा जाता है। और जब इंसान शुक्रगुजारी के काम करता है तो उसमें इबादत आती है। इसलिए कि मालिक ने जिन कामों का हुक्म दिया उसको बजा लाना और जिन कामों से मना किया उससे रुक जाना, ये उसकी इबादत है, ये उसकी शुक्रगुजारी है, उसकी फरमाबरदारी है, उसको कहा जाता है। यही वजह है कि खाने के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई उसको खाने के बाद पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अत्इम मन अत'अमनी वस्क़ मन सक़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ाना व अरवाना गैर मुकफ़्फ़िन वला मुवद्दिन अन्हु या रब्बना। ये सारी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, लेकिन इन दुआओं के साथ साथ उस खाने को और उसके जरिए से बनने वाले खून को और कुव्वत और ताकत को अल्लाह की मर्जियात पर इस्तेमाल करना और अल्लाह की नामर्जियात से बचाना, ये अल्लाह का शुक्र है। हमने दुआएं तो पढ़ी लेकिन फिर हमारा बदन अल्लाह की बगावत पर इस्तेमाल होने लगा, नाफरमानी पर इस्तेमाल होने लगा, गंदे कामों पर इस्तेमाल होने लगा, तो ये अल्लाह की हकीकत में शुक्रगुजारी नहीं हुई। अपने रब के हम शुक्रगुजार नहीं बने। इसलिए हमें इसके जब इंसान इंसान बनता है तो उसमें तौहीद भी आएगी, उसमें इबादत भी है, उसमें मामलात भी है, उसमें माशरत भी है, उसमें अखलाक भी है, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। इसलिए इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। अब इंसान इंसान बनेगा कैसे? तो कुरान करीम ने जो नुस्खा बताया, इसलिए कि कुरान से बेहतर दवा बताने वाला और कुरान से बेहतर इलाज बताने वाला कोई नहीं है। कुरान सबसे बेहतर इलाज बताने वाली किताब है जिसके जरिए से मुझे और आपको इलाज और रहनुमाई और हिदायत और जो है रास्ता मिलता है। अल्लाह ने मैंने दो आयतें पढ़ी है, वैसे तो अल्लाह ताला ने जगह जगह पर खौफ को बयान किया, तकवे को बयान किया, लेकिन मैंने इस वक्त जो अहम दो आयतें हैं उन दो पूरा कुरान ही अहम है, लेकिन इन दोनों आयतों में अल्लाह जल्ला शानू ने साफ तौर पर फरमाया। पहली आयत में फरमाया वह अम्मा मन खौफ, जिसने खौफ इख्तियार किया, किससे खौफ इख्तियार किया? मकाम रब्बी ही, अपने रब के सामने खड़े होने से। वनह नफ्स, और अपने नफ्स को बचाया। फइन्नल जन्नत ही अलमावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है, यानी वो जन्नत में जाएगा। और सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नता, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। वली मन खाफ मकाम रब्बी,
दोनों आयतों में मकाम रब ही है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें, वहां एक जन्नत का तस्करा हुआ, यहां दो जन्नतों का तस्करा हुआ। हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहले तो इस आयत पर गौर किया जाए कि अल्लाह ने यह नहीं फरमाया जो जहन्नम में जाने से डरा, जो आग से डरा, जो सांप और बिच्छू से डरा, जो जहन्नम के अजाब से डरा, ये नहीं फरमाया। मकाम रब ही, अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। मालूम होता है कि अजमत रब जब आ जाती है तो इंसान इंशाअल्लाह गुनाहों से बच जाता है। अजमत रब को हमारे दिलों में बिठाना है, अल्लाह ताला की अजमत। मकाम रब ही का मतलब होता है अल्लाह ताला के सामने खड़े होना कि मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा। मैं जिस पाक जात और पाक रूह को लेकर दुनिया में आया था, ये आलूदा हो गई, ये गंदगी हो गई, ये गंदी हो गई, ये गुनाहों के अंदर मुलव्वस हो गए, मैं अब अपने रब को किस मुंह से अपना मुंह बताऊंगा, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। दुनिया में बाप की अजमत होती है तो इंसान और बच्चा जो है वो गुनाह करने के बाद बाप के सामने नहीं जाता है कि मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। और जब बंदा गुनाह करता है तो अपने उस्ताद के सामने नहीं जाता, अगर उस्ताद को पता चल गया है कि मैं अपने उस्ताद को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्यों? ये मकाम रब ही का मसला है। जब दुनिया के अंदर किसी के सामने खड़े होने से उसके अजमत की वजह से हमें डर लगता है तो ताला जल्ला शानू फरमाते हैं कि मेरी भी अजमत तो तुम पहचानो कि मैं कैसा रब हूं, मैं कैसा मालिक हूं, मैं कैसा तुम्हारा पालनहार हूं, मैं कैसा तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं कैसा तुम्हारा मुरब्बी हूं, मैं कैसे तुम्हारी तरबियत करता हूं। मान लो मेरे भाइयों थोड़ी देर के लिए, मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए, कि जिस वक्त हम गुनाह कर रहे थे और उसी हालत में अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली, तो आप बताइए कि हम रब के सामने किस हालत में हाजिर होंगे, किस हालत में अपने रब के सामने हाजिर होंगे। हमारे शेख नबर अल्लाह मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपनी मजलिस में फरमाया करते थे कि भाई देखो, जिसने ईशा की नमाज छोड़ दी और रात में मौत हो गई और वो मर गया, रब तआला जल्ला शानू ने जिंदगी का सवाल नहीं फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया आज ईशा की नमाज पढ़ के क्यों नहीं आया, तो बंदे के पास इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ईशा की नमाज के बाद में तो मासी और बे अल्लाह ताला की नाफरमानी के जो मसाइल है उसके अंदर तो बतरी के औला हमें अपने रब करीम से डरने की जरूरत है, अपने मौला से डरने की जरूरत है। खैर, मैं ये कह रहा था कि वलीमन खाब मकाम रब ही में मकाम रब ही बयान किया गया, जहन्नम नहीं, जहन्नम की आग नहीं, सांप और बिच्छू नहीं, अंदर के हालात नहीं, बल्कि अपने रब के सामने खड़े होने से। इसे ये मालूम होता है कि अजमत रब का इस्तेहजार रखा जाए तो इंसान मासी से बच जाएगा, गुनाहों से बच जाएगा। और हजरत मुफस्सिरीन इन आयात की तफसीर करते हुए तफसीर के अंदर यूं लिखते हैं कि ये आयात उन बंदों से मुतालिक है जिसको गुनाह का दाइया दिल में पैदा हुआ। याद रखो, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं। हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलात व तस्लीम के दिल में कोई गुनाह के इस तरह के मसाइल का मसला नहीं हुआ करता है। बाकी उम्मत के जरिए, उम्मत के अंदर गुनाहों का दाइया हो सकता है, चाहे वो वली हो, गौस हो, कुतुब हो। बहरहाल दाइया का पैदा होना ये शैतानी हरबा है और शैतान हरेक के साथ लगा हुआ है, इसलिए वो शकूक और शबहात तो यकीनन दिल के अंदर डालता है। कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात का कि मेरे दिल में कोई जो है बुराई का दाइया पैदा होता ही नहीं, इसलिए कि दाइया का पैदा न होना ये हजरत मलाइका की सिफत है जिनके अंदर अब तआला जल्ला शानू ने नफ्स नाम की कोई चीज रखी नहीं है, ये उनका मसला है। बाकी जहां तक बंदा है तो बंदे के अंदर नफ्स है तो यकीनी बात है कि गुनाहों का दाइया पैदा होना ये अपनी जगह मुसल्लम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर दाइया ही पैदा ना होता तो फिर तौबा के मसाइल क्यों बयान किए गए, इस्तगफार के मसाइल क्यों बयान किए गए, अनिन المذنبين احب الي من جزل المسبحين क्यों कहा गया कि तस्बीह पढ़ने वालों के मुकाबले में तौबा करने वाले अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। फिर ये क्यों फरमाया ताला जल्ला शानू ने कि मेरे बंदो, अगर तुम 100 मर्तबा तौबा करो और फिर तौबा टूट जाए तो तुम परवाह न करना, फिर मुझसे माफी मांग लेना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सारी बातें दलालत कर रही है कि इंसान से मासी का इर्तिकाब भी हो सकता है, मासी का गुनाह का दाइया भी हो सकता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर इस तरह का दाइया ही नहीं है। जब इंसान में गुनाह का दाइया पैदा हो, जब उसको उसका दिल गुनाह की तरफ चले कि मैं ये गुनाह कर लूं, मैं ये गुनाह कर लूं, उस मौके पर वो ये सोचे कि मुझे कल को मेरे रब ने अगर पूछ लिया
या आज मेरी मौत हो गई और मेरे रब ने मुझको पूछ लिया, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। फरमाया कि दाइया पैदा होने के मौके पर अपने रब की याद का आ जाना, इसी को कहते हैं तकवा और खौफ। यही वो तकवा है, यही वो खौफ है। और जब इंसान की जिंदगी में ये तकवा और खौफ आ जाता है तो फिर इस सूरत में खलवत हो या जलवत हो, मजलिस हो या अकेला हो, वो गुनाह से जरूर बचेगा। वो तन्हाइयों में होगा तो भी अपने आप को मासी से बचाएगा कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन मेरा अल्लाह मुझको जरूर देख रहा है। क्यों? मकाम रब्बी ही का इस्तेहजार है उसको, इसी को तकवा कहा जाता है। तकवा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मार्केट में बिकती हो और हम उसको ले आए खरीद करके और तकवे का लिबास पहन ले या तकवे का खाना खा ले और हमारे अंदर तकवा उतर जाए, ये नहीं है। बल्कि तकवा हकीकत में अपने रब के सामने हुजूरी का इस्तेहजार, उसको जवाब देने का इस्तेहजार, अपने मालिक के सामने हुजूरी का इस्तेहजार। इसी को हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान से भी ताबीर फरमाया, अंताबुद अल्लाह तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और चलो तुम इस मकाम पर नहीं पहुंचे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये इस्तेहजार नहीं हो रहा है तो कम से कम ये तो इस्तेहजार करो अल्लाह तुमको देख रहा है। जाहिर सी बात है कि तआला जल्ला शानू तो हमें देख ही रहा है, चाहे रात हो या दिन हो, खलवत हो या जलवत हो। बादशाह की मजलिस में अगर बादशाह ने पूरी बस्ती को दावत दी और ये कहा कि सारे बस्ती वाले आए, आज मेरे घर पे खाना खाना है, लेकिन उससे पहले कुछ मुझे नसीहतें करना है, उसमें दो तीन नाबीना भी थे उस बस्ती के अंदर, वो भी आ गए। अब जब बैठे हुए हैं तो नाबीना बार बार अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं उस मजलिस के अंदर, क्यों भाई तुम दुरुस्त कर रहे हो, तुम तो बादशाह को देख नहीं रहे हो, फिर तुम क्यों बार बार कपड़ों को दुरुस्त कर रहे हो? वो कह रहे हैं इसलिए कि हमें हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए, अगरचे हम नहीं देख रहे हैं, बादशाह तो हमको देख रहा है। जाहिर सी बात है कि नाबीना का कपड़ों को दुरुस्त करना बादशाह के देखने की वजह से है, तो मेरा और आपका मासी से दूर रहना भी अपने रब को देखने की वजह से होना चाहिए कि मेरा रब देख रहा है, मेरा खालिक और मालिक जो है वो मुझको हर वक्त देख रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मैं मेरे बंदे तेरे ताक में हो, इन रब्बका लबिल मिरसाद, मिरसाद का माना घात में। जैसे शिकारी होता है ना, तो शिकार के लिए जब वो जाता है तो जब शिकार जानवर निकलता है तो शिकारी बड़े ताक में बैठता है कि जब ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसको तीर मारूंगा, गोली मार दूंगा। जैसे शिकारी ताक में बैठता है तो अपनी गर्दन को भी नहीं हिलाता, निगाह को भी नहीं घुमाता, बल्कि बराबर शिकार पर नजर करता है। फरमाया हक तआला ने इस लफ्ज को इस्तेमाल करके बताया कि ऐ मेरे बंदे, तू एक सेकंड के लिए भी मेरी नजर से हट नहीं सकता है, इन रब्बका लबिल मिरसाद। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने खड़े होने का वो दर, वो खौफ और ये अजमत अपने रब की जब इंसान की जिंदगी में आ जाती है तो फिर इस सूरत में इंसान के लिए गुनाहों का छोड़ना आसान हो जाता है। फिर उसका दिल तन्हाइयों में भी गंदे फिल्म को नहीं देखेगा, गंदी तस्वीरों को नहीं देखेगा, गंदी बातों को नहीं देखेगा, वो गुनाहों से बचेगा और वो अल्लाह की इबादत करेगा। कुछ नहीं होगा तो आराम करेगा, सोएगा, लेकिन मासी से अपने आप को बचाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में आता है कि हजरत उमर जब अमीर मोमिनीन थे और रात में गश्त लगा रहे थे तो चक्कर लगाते लगाते एक मकान से गुजर हुआ तो अंदर में दिया जल रहा था और कुछ बातें हो रही थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु करीब गए कि बात सुने। ये बात इसलिए नहीं कि हजरत कोई किसी के कानाफूसी सुन रहे थे, या चूंकि आप अमीर मोमिनीन थे और आपको ये फिक्र थी कि मेरे मातहत रियाया भूखी न सोए, उनको तकलीफ ना हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में इनको कोई तकलीफ है। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में वो वाकया भी आता है जो तारीख के हवाले से नकल किया गया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मकान में गए और मकान में बच्चे रो रहे थे और चूल्हे के ऊपर कुछ पानी, कुछ जो है तपेला वगैरह रखा हुआ था, हांडी थी, उसमें पानी गर्म हो रहा था। तो हजरत उस घर में पहुंचे और हजरत ने जाकर के पूछा औरत से कि क्या बात है, तो कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं और खाना वाना कुछ नहीं है और जो है हमारे उमर को, अमीरुल मोमिनीन को इतनी भी फिक्र नहीं है कि हमारे घरों में भूख चल रही है और वो बादशाह बने हुए हैं और हमारी फिक्र नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुम्हें इत्तला करनी चाहिए, बादशाह को तुम्हें इत्तला करनी चाहिए, उमर को तुम्हें इत्तला करनी चाहिए। तो वो औरत कहने लगी,
کہ اگر اس کو اپنے رعایا کی فکر نہیں ہے تو اس صورت میں وہ امیر المؤمنین کیوں بنا ہے؟ یہ حضرت عمر کو وہ عورت کہہ رہی ہے، حضرت عمر سن رہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا لے آئے اور پکوایا، اور حضرت خود جو ہیں چولہے میں پھونک مارتے رہے، آگ جلاتے رہے، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے کہ عمر یہ دنیا کی آگ جو ہے بہتر ہے آخرت کی آگ کے مقابلے میں. یہ عمر کی شخصیت تھی. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میری بچیاں ہیں، اور میرے دیور نے اور میرے جیٹھ نے جو میرے شوہر کے بھائی ہوتے ہیں انہوں نے ساری دولت اور پراپرٹی کو لے لیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں، اور میرے باپ نے اور میرے رشتہ داروں نے، میرے فلاں فلاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فلاں غزوے میں فلاں غزوے میں فلاں غزوے میں اتنی محنت کی ہے، آپ پہچانتے ہیں میرے والد کو بھی اور سارے لوگوں کو. یہ اپنا تعارف کرایا اس عورت نے، اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھا کہ میری بچیاں ہیں اور میرے بھائی کے میرے شوہر کے بھائیوں نے سارا لے لیا اور میری بچیوں کے نکاح کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ یہی خریدو، میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے اپنے خادم کے ساتھ اور اونٹنی کے اوپر دونوں طرف سامان بھرا اور بیچ میں بھی رکھا، اور لے کر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے چلنے لگے. خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت سامان ہو گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، ان کے باپ داداؤں کی قربانیاں جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں، ان کا زیادہ حق ہے، ان کی اولادوں کا زیادہ حق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا حق بنتا ہے بیت المال کے اندر کہ ان کی اولادوں کو دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ان کے باپ دادا کی قربانیوں کو یاد کیا، اور قربانیوں کو یاد کر کے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے، اور لے گئے اس عورت کے پاس اور اونٹنی کی نکیل پکڑائی، اور یہ کہا کہ یہ پورا نہیں ہوگا کہ پھر عمر حاضر ہو جائے گا دوسرا سامان لے کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رعایا کی بڑی فکر تھی، اس لیے رات میں غش کیا کرتے تھے اور چکر لگایا کرتے تھے. اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھی رات کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے تھے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق صاحب جن کو لقب تھا محی السنہ، محی السنہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ سنتوں کو زندہ کرنے والے، چونکہ وہ اپنے شیخ کی ترتیب پر، حضرت عبد الثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر احیاء سنت کے اوپر اپنی زندگی گزار کر گئے، اسی لیے اذان کے باب میں بھی ان کا ایک بڑا اہتمام تھا کہ اذان کس طرح دی جائے، مسجد کے اندر جو توپیاں رکھی جاتی آیا سنت طریقہ کیا ہے، لباس کے باب میں سنت طریق کیا ہے، نماز کے باب میں سنت طریق کیا ہے، نماز کی تکبیرات کے باب میں سنت طریق کیا ہے. تو آپ محی السنہ کہے گئے، احیاء سنت کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا زبردست کام لیا. تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت رات میں آخر پہلے تو آپ کا معمول تھا، چونکہ آپ کا مدرسہ بھی تھا اور باقاعدہ وہاں پر ماشاء اللہ تعالیٰ کئی طلبہ پڑھتے ہیں اور بہت لمبی تعلیم کا سلسلہ ایک ہے، اور بچوں کا قیام ہوتا تھا اور ہوتا ہے آج بھی، زیادہ دار اقامہ ہے. تو جب تک حضرت چلتے تھے تو حضرت رات میں غش لگاتے تھے دار اقامہ کا، ہاسٹل کا، اور بچوں کی نگرانی فرماتے تھے. جب بڑھاپا آ گیا تو ویل چیئر میں حضرت رات میں 2 بجے جاتے تھے. سخت سردی کا زمانہ، یو پی کی سردی، جنوری کی، دسمبر کی سخت سردی، اور اس سردی کے اندر حضرت کے خادم ویل چیئر پر آپ کو لے چلتے تھے. حضرت ہر کمرے میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ اس کے اوپر لحاف نہیں ہے، تو اگر قریب میں لحاف پڑا ہے تو اس کو اڑا دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے خادم کو کہتے تھے اس کو لحاف اڑاؤ، یہ نیند کے اندر اس کو پتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے. اور اگر بالکل لحاف نہیں ہوتا تھا تو حضرت اسی وقت خادم کو بلا کر کے کہتے تھے چلو اس کو وہاں سے آفس سے لحاف لیا اور اس کے اوپر ڈال دو. یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غش لگا رہے تھے، اور اتنے میں ایک مکان میں چراغ جل رہا تھا اور اندر سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی. آپ نے آواز سنی تو باتیں یہ ہو رہی تھی کہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹے صبح کو اپنوں کو دودھ بیچنا ہے، تو اگر دودھ کم ہے تو تھوڑا سا پانی اس میں ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے. اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں،
امی جان اس طرح کی ملاوٹ سے امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ پانی دودھ میں نہ ملایا کرو اور اس طرح ملا کر کے نہ بیچا کرو، تو ماں نے یوں کہا کہ بیٹی رات کا وقت ہے، عمر کہاں دیکھے گا، وہ تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہوگا، اسے کیا پتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو پانی ملا دے۔ تو بیٹی کا جواب تھا کہ امی تم کیا کہہ رہی ہو، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ ہی رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ، یہ ہے خلوت میں اللہ کا خوف، یہ ہے مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، یہ ہے ولمن خاف مقام ربہ، اس کو کہا جاتا ہے مقام ربہ۔ تو حضرت عمر نے جب یہ گفتگو سنی، آپ نے اس مقام کو نشان میں لیا اور وہاں اپنے بیٹے کا خطبہ بھیجا اس بچی کے ساتھ، اور آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کرایا، اور ان کے سلسلے سے ایک عجیب و غریب شخصیت پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، جو پانچویں خلیفہ کہے گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا تقوی اولاد میں منتقل ہوتا ہے، ماں باپ میں جب تقوی ہوتا ہے تو اولاد کی طرف سرایت کرتا ہے، نسلوں کی طرف چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے جب واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا، تو وہاں جو دیوار سیدھی کرنے کا مسئلہ آیا کہ دیوار سیدھی کر دی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر ایک بات عرض فرمائی کہ ان بستی والوں نے جب ہمارا اکرام نہیں کیا تو ہمیں بھی ان کی دیوار کے بنانے پر معاوضہ لینا چاہیے تھا تاکہ وہ پیسے ہمارے کام میں آ جاتے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حکم ربانی تھا اس لیے آپ نے دیوار سیدھی کر دی، یہ امر تقوینی تھا، اور امر تقوینی کی بنیاد پر آپ نے دیوار کو سیدھی کر دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظاہری طور پر ایک مسئلہ تھا اس کو ذکر کیا۔ اب جب تینوں کاموں کی وجہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے تو اس میں دیوار کو سیدھی کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ فرمایا کہ موسیٰ یہ دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ نے، ان بچوں کے ماں باپ نے خزانہ دفن کیا اور وہ ماں باپ مر چکے، اور ماں باپ نیک تھے، صالحین ہیں، وقان ابوہما صالحا، بڑے نیک تھے، وہ مر چکے، ان کے بچے یتیم ہیں۔ فاراد ربک، تو اب تیرے رب نے ارادہ کیا کہ صالح ماں باپ کا خزانہ اولاد کے لیے باقی رہے۔ اب اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، اگر دیوار گر گئی تو دوسرے لوگ اس خزانے کو نکال کر لے جائیں گے اور یتیم بچے محروم ہو جائیں گے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ دیوار سیدھی کر دو تاکہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ محفوظ رہے، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو کر کے جو کچھ ان کے ماں باپ نے اشارات کیے ہوں گے، لکھا ہوگا کہیں، اس کے مطابق وہ نکال لیں گے کھود کر کے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اس کی وجہ سے حضرت خیزر کو یہ حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی صالحیت کا اثر اولاد کے دین کے اعتبار سے بھی پڑتا ہے اور اولاد کی دنیا کے اعتبار سے بھی پڑتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کا دین بھی بہتر بناتا ہے اور اولاد کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے، جیسے کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو بچا لیا، یہ خزانہ دنیا ہی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ بہرحال ان کے ذریعے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پانچویں خلیفہ، خلیفہ خامس کہے گئے، وہ پیدا ہوئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں رفقا کے ساتھ جا رہے تھے اور توشہ ختم ہو گیا، اب چرواہا اور ایک نوکر جو تھا وہ بکریاں چلا رہا تھا، حضرت اس کے پاس گئے اور اسے کہا، حالانکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ بادشاہ وقت ہے اس وقت، اب اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بھئی کوئی دودھ دیتی بکری ہو تو ہمیں تھوڑا دودھ دے دو، ہم سفر میں نکلے اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی مالک کی طرف سے ہدایت نہیں کی مجھے اس طرح دودھ دینے کی، مالک کی طرف سے، اصل میں عرب کے اندر جب لوگ چلتے تھے تو اس طرح جانوروں کے دودھ بھی پلائے جاتے تھے، جب مالک کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی تو پانی کا گھات ہوتا تھا، وہاں دودھ نکال کر غریبوں کو دیتے تھے یا راستے میں کوئی مل جائے تو ان کو دیا جاتا تھا، لیکن اس نوکر نے یوں کہا کہ مجھے ہدایت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بڑا تقوی والا کچھ معلوم ہو رہا ہے، لاؤ اس کا امتحان لے تقوی کا کہ یہ واقعی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے۔ تو کہا اچھا
देख एक बात सुन, तूने दूध तो नहीं दिया लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक बकरी मुझे बेच दे जो दूध देती है। हम सफर में दूध पीते रहेंगे और जब जरूरत पड़ी तो फिर उसको जबा करके खा लेंगे। तो उसने कहा कि मैं इस तरह बकरी को नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि मेरे मालिक की तरफ से जब दूध की इजाजत नहीं तो बकरी की इजाजत कहां हो सकती है। तो हजरत उमर ने उससे यूं कहा कि तू मालिक को यूं कह देना कि भेड़िया खा गया। उस जमाने में ऐसे होता था, भेड़िया आते थे खा जाते थे, तो भेड़िया आया था और वो खा गया। तुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे जानवर मिल जाएगा, मेरी जरूरत भी पूरी, तेरी जरूरत भी पूरी, और तेरा मालिक कहां देखने यहां आ रहा है, बस तू कह देना भेड़िया खा गया। उसकी जबान से निकला फाइन अल्लाह, मालिक नहीं देख रहा है, मेरा अल्लाह कहां गया, वो अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसी वक्त फरमाया जब तक ऐसे लोग इस सरजमीन पर मौजूद है अल्लाह ताला कयामत कायम नहीं करेगा। तो हकीकत यह है कि इंसान की जिंदगी में जब मकाम रब्बी का इस्तेहजार हो कि मुझे मेरे रब के सामने हाजिर होना है, मुझे मेरे रब को मुंह दिखाना है, तो इंसान मासी से गुनाहों से पाक रहेगा। आज गुनाहों को रोकने के लिए पुलिसों का महकमा और महकमों पर महकमा बनाया जा रहा है कि पुलिस का महकमा, उसके ऊपर एक महकमा इंस्पेक्टर का होता है, उसके ऊपर एक महकमा पीआई का होता है, उसके ऊपर एक महकमा डीएसपी का होता है, और महकमों पर महकमे बनाए जा रहे हैं। और न मालूम कितने पैसे इंसदाद रिश्वत के लिए और इंसदाद जिना के लिए और इंसदाद चोरी के लिए और बहुत सारे गुनाहों से रोकने के लिए कि ये रिश्वत का बाजार बंद हो जाए और जिना का बाजार बंद हो जाए और शराब का बाजार बंद हो जाए और चोरी का बाजार बंद हो जाए और बेइज्जतियों के बाजार बंद हो जाए, उसके लिए पुलिस पर पुलिस का महकमा और उसके साथ साथ कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। ये कानून दूसरा कानून, इसके ऊपर ये कानून लाओ, उसके ऊपर ये कानून लाओ, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर में लोग बच रहे हैं बाकी अंदर में वही सारे गुनाह हो रहे हैं। अल-अमान अल-हफीज, वो गुनाह अंदर में हो रहे हैं कि अगर कोई इंसान देख ले तो शायद जिंदगी भर के लिए उसको उसका सर नीचे से ऊपर नहीं उठ पाएगा। इतने इतने ज्यादा जराइम और गुनाह हो रहे हैं, क्यों इतने बड़े महकमे के बावजूद और इतने बड़े निजाम के बावजूद और लाखों अरबों खरबों रुपए इस महकमे पर खर्च करने के बावजूद इस पुलिस के और इंसदाद जराइम को रोकने के लिए जो महकमा खड़ा किया गया, इतने अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद क्यों जराइम नहीं रुक रहे? इसलिए कि ये जिस्म को तो आप रोक रहे हैं, उसके दिल को नहीं रोक सकते। दिल गुनाहों से तभी रुकेगा जब इसके दिल में अल्लाह की अजमत। नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत यही रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई पुलिस का महकमा खड़ा नहीं किया, आप देख लीजिए, कोई पुलिस का महकमा नहीं। हजरत के पास कौन से पुलिस थी, हजरत के पास कौन सा पीआई या पीएसआई का महकमा था, कोई महकमा हजरत के पास, लेकिन हजरत ने लोगों के दिलों पर मेहनत की, अल्लाह के सामने खड़े होने से डराया, अजमत रब को बताया और फरमाया कि चाहे तुम इस दुनिया के अंदर 100-200 साल जी लो लेकिन तुम्हें हाजिर होना है, तुम्हें कभी ना कभी अपने रब के सामने हाजिर होना है और तुम्हें इन कामों का जवाब देना होगा। और वो अजमत रब को इतना बिठाया कि हजरत सहाबा मामूली सा गुना हो जाता था उनको चैन नहीं पड़ता था जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के इकरार न कर ले। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक सहाबी तम्मार थे, खजूर बेचने वाले, और एक औरत आई उनके दुकान पर खजूर खरीदने के लिए और उनको थोड़ा सा जोश आ गया, गलबा आ गया शहवत का, और आपने उसे तकबील कर दी, लेकिन फौरन नबी की खिदमत में, हालांकि आपको किसी ने देखा भी नहीं था, अगर आप तौबा कर लेते अल्लाह ताला माफ कर देते, लेकिन आप फौरन नबी की खिदमत में आए, अपने इस काम का इजहार किया। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने जमात से नमाज पढ़ने को उनको कहा और नमाज के बाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, तेरा ये सगीरा गुनाह था जो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। मुआज़ असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने देखा था, साहबी रसूल हैं, किसने आपको देखा था कि आपसे ये गुनाह सरजद हो गया? आप खुद तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अल्लाह के नबी ने उनको टालना चाहा, उनको वापस करना चाहा, इसलिए हजरत ने टालने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, लअल्लक तकब्बल का लअल्लक लमस्ता, अरे शायद तूने वैसे ही हाथ लगा दिया होगा, सिर्फ तूने किस और बोसा कर लिया होगा, सिर्फ तकबील कर ली होगी, इसे आगे तूने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन वो साफ साफ इकरार कर रहे हैं कि नहीं अल्लाह के अभी मुझसे गुनाह हो गया। तो हजरत अभी टालने के लिए क्या कह रहे, अभी का जुनून, तो पागल तो नहीं है,
इसलिए कि पागल के ऊपर हद का इजरा नहीं होता, मजनून पर हद का इजरा नहीं होता। हजरत ये भी इसीलिए कह रहे हैं कि अभी का जुनून पागल तो नहीं है, तो क्या बोल रहा है, जरा सोच तो सही। फरमाए या रसूलल्लाह साफ साफ बात है। अब ये एक ऐसा गुनाह है जिना का कि खलवतों में अपने रब से सामने तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ कर दिया करता है। फिर भी वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, इसीलिए आए कि अल्लाह के नबी ने दिलों को आबाद किया था, मकाम रब्बी ही, ये उनके दिलों में अल्लाह के सामने खड़े होने की अजमत बताई थी। शराब के बाद में अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अनु के घर पर शराब का दौर चल रहा था, या हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अनु के घर पर शराब का दौर चल रहा था, और इतने में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अनु सबको शराब पिला रहे थे, और किसी ने बाहर आवाज लगाई। अबू तलहा ने फरमाया देखो क्या मसला है, क्या आवाज हो रही है। बाहर निकले हजरत अनस ने फरमाया शराब हराम हो गई, और नबी का मुनादी ऐलान कर रहा है कि शराब हराम हो गई। इन्नल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतनिबू, आयत उतर गई और शराब को हराम कर दिया गया। तो अबू तलहा ने ये नहीं कहा अरे तू बच्चा है तुझे क्या पता, जाओ तहकीक करो, अभी हराम नहीं होगी, अभी मकरूह हुई होगी, अरे अभी कोई और मसला हुआ होगा, तूने कुछ और सुन लिया, कतान नहीं। जैसे ही अनस ने ये बात बताई कि ये ऐलान हो रहा है कि शराब हराम हो गए, जिनके हाथों में ग्लास से ग्लास फेंक दिए, मटके से मटके तोड़ दिए, और जिनके पेट में पहुंच चुकी थी उन्होंने कह करके निकाल दी, आखिर कौन पुलिस नबी अलैहिस्सलाम ने अबू तलहा के मकान पर भेजी थी? कोई पुलिस नहीं आई, कोई PSI नहीं आया, कोई महकमे पुलिस के अंदर से कोई नहीं आया, क्यों फेंक दी उन्होंने शराब को और मटके क्यों तोड़ दिए? इसलिए कि दिलों पर मेहनत हुई। हजरत सहाबे किराम के दिलों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई और इस दिल को आबाद किया और इस दिल को बनाया और उनको बेहतरीन बाग बनाया। इसीलिए सहाबा के दिलों से और अल्लाह वालों के दिलों से और बुजुर्गों के दिलों से हमेशा कभी जो है बेहतरीन किस्म के फूलों की खुशबू आती है और कभी बेहतरीन किस्म के फलों की खुशबू आती है। वो खुद भी अपनी जात के लिए मुफीद हुआ करते हैं और वो दूसरों की जात के लिए भी मुफीद हुआ करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मकाम रब्बी ही को सोचे। शैतान जो है हमें गलत रास्तों पर ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके हमें बताता है। शैतान एकदम से तो गुनाह नहीं करवाता, पहले सगीरा पर ले जाता है, छोटा छोटी बात, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाह पर ले जाता है। लेकिन अगर हम छोटी बात पर अपने आप को रोक दें तो ताला जल्लशानु परे गुनाहों से हमें रोक देगा, पाक कर देगा। और ये सगाइर और कबाइर की तकसीम जो है ना, ये भी अल्लाह का एहसान है। वरना अकाबिर और बुजुर्गान दीन फरमाते, इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, फरमाया कि तुम सगीरा समझकर न किया करो, इसलिए कि हमेशा चिंगारी ही से आग लग जाती है। चिंगारी बहुत मामूली हो लेकिन आग लगने के लिए चिंगारी काफी हुआ करती है। तो आज सगीरा किया है कल को कबीरा हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को सगाइर से बचाएं। अगर सगाइर से बचाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला, बल्कि फुकहा ने लिखा है कि सगीरा पर इसरार करना ये कबीरा बन जाता है, ये गुना सगीरा है लेकिन बार बार उसको करते जा रहे हैं तो इस सूरत में वो कबीरा बन जाता है। इसलिए अब तआला जल्ल शानहु से डरने की जरूरत है। इमाम ज़िदारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ईमान नाम है बैन अल खौफ वर रजा, अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह से उम्मीदें भी हो, इतने भी खौफ ना हो। इसलिए अल्लाह के खौफ का वो मतलब नहीं है जो सांप और बिच्छू का होता है, जो किसी के दंडे का हुआ करता है, वो मतलब अल्लाह के खौफ का नहीं है। अल्लाह के खौफ का मतलब वो मालिक है मेरा, उसने मुझ पर एहसान किया है तो फिर मुझे एहसान का बदला बुराइयों से नहीं देना चाहिए, ये है मतलब। वरना अल्लाह का प्यार बहुत जबरदस्त है, जो खुद उसने कुरान करीम में जगह जगह बयान फरमाया, जगह जगह बयान फरमाया, और अहादीस मुबारका में अहादीस कुदसिया के अंदर अल्लाह ताला ने बलिसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया। जगह जगह हदीस कुदसी में आपने फरमाया मेरा बंदा फराइज के जरिए से मुझसे करीब हो जाता है, फिर आपने फरमाया वो नवाफिल अदा करता रहता है, फराइज तो करीब हो गया लेकिन अब नवाफिल अदा करता रहता है, वो इशराक पढ़ता है, वो चाश पढ़ता है, वो अवाबीन पढ़ता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, वो और नमाजें पढ़ता है और नवाफिल नफली काम किया करता है, फिर अखीर में जब बहुत नफली काम उसके हो जाते हैं तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरा बंदा फनाफिल्ला हो जाता है,
اب اس کی سوچ اس کی نہیں رہی، اب میری سوچ ہوگی اس میں، میں جو چاہتا ہوں وہی کرے گا، میں جو چاہتا ہوں وہی پکڑے گا، میں جو چاہتا ہوں اسی کی طرف جائے گا۔ تو فنا فی اللہ، نوافل کے ذریعے سے بندہ جو ہے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ سے دعا کریں کہ یہ کام ہو جائے، تو فرمایا میرا اللہ تو وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کہیں آپ یہ جملہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ، تو کیا اللہ آپ کا خادم ہو گیا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کرے؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنی ذات کو اللہ میں فنا کر دیا ہے، تو جو اللہ کی چاہت وہ میری چاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ تو اب میری چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہو گئے۔ آگے اللہ جل شان و حدیث قدسی میں یوں فرماتے ہیں، ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن، فرمایا اس میرے بندے سے مجھے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا ہوں، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہوں، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب تو شک کا ہوا، اللہ تو شک سے پاک ہے۔ محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ اللہ شک وقت یہاں بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کچھ وقت تک جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا سے اس کو محبت ہو گئی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ لیکن بہرحال جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کو کچھ محبت ہو جاتی ہے، تو اس کو اس دنیا سے محبت ہو گئی ہے، اب میں اس کو لانا چاہتا ہوں آخرت کی طرف، تاکہ آخرت کی نعمت اور جنت کی نعمتوں سے اس کو مالا مال کروں، اور وہ دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا سے کچھ محبت ہو گئی ہے، تو وہ اس کا دل ابھی اسی کی طرف مائل ہے کہ ابھی کچھ اور رہ لو، کچھ اور رہ لو، کچھ اور رہ لو، ابھی مجھے موت نہ آئے، ابھی مجھے موت نہ آئے۔ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اب میں اس بندے کو آخرت کی طرف لانے کے لیے کیا کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نظام شروع کرتے ہیں، اس کو بیمار کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، پھر بیمار ہوا، پھر اچھا ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک میں وہ بندہ آخر میں جب بیمار پڑتا ہے تو وہ خود ہی کہہ دیتا ہے اے اللہ اب میں تیری طرف چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے اٹھا لے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ تیار ہو گیا تو میں اس کو لے لیتا ہوں تاکہ اس کو دنیا کے چھوڑنے کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اتنی تکلیف بھی اپنے مومن بندوں کو، نیک بندوں کو دینا نہیں چاہتا۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور صغائر کا ارتکاب کراتا ہے، اور صغائر کے بعد وہ کبائر کا بھی ارتکاب کراتا ہے۔ تو خوف سے مطلب وہ سانپ بچھو والا خوف، وہ چوروں کا خوف، وہ مراد نہیں ہے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا جیسے ایک باپ سے ہم ڈرتے، تو باپ کا خوف وہ چور والا خوف نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ باپ کا خوف ایک محبت والا خوف ہوا کرتا ہے۔ باپ سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ ایک محبت کے ساتھ ڈرتے ہیں، اسی طرح اللہ سے ڈرنا بھی اللہ کی محبت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان نام ہے بین الخوف والرجا، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امید ضرور ہے اور خوف بھی اللہ کا، لیکن جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، امید کم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر جوانی میں امید زیادہ ہوئی کہ نہیں نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو پھر گناہ بہت ہوں گے۔ جوانی میں اگر انسان امیدوں پر بیٹھ گیا اللہ کی کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں شیطان جو ہے غلبے امید کی بنیاد پر معاصی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے جوانی میں اللہ کے خوف کا غلبہ اور بڑھاپے میں اللہ کی امید کا غلبہ ہو۔ اب جب قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، پاؤں قبر کی طرف لٹک چکے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کی امید کا غلبہ زیادہ ہو کہ میرا رب مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ یقیناً مجھے معاف کر دے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے حضوری، مقام رب بھی۔ اور جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی تو پھر انسان کا انسان بننا آسان۔ یہ میں نے نسخہ پیش کیا ہے انسان کو انسان بننے کا، اور یہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ اللہ کا نسخہ ہے، یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انسانیت پیدا ہو جائے گی اور ہم اللہ کے صحیح معنی میں بندے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاحبابنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة الله.